बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार द्वारा लाए जा रहे टेक्सटाइल बिल के ड्राफ्टिंग के संबंध में गुरुवार को चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन शहर के एक निजी होटल में आयोजित किया गया। बैठक में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल एवं CII के अध्यक्ष ने अंग वस्त्र और बुके देकर स्वागत किया। बिहार टेक्सटाइल पॉलिसी पर चर्चा करते हुए उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने उद्योगपतियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से बिल के संबंध में उठाए जा रहे कदमों के बारे में स्पष्ट करते हुए उद्योगपतियों को जानकारी दी। इस दौरान शहनवाज हुसैन ने बांग्लादेश से कपड़ा उद्योग को मिल रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा किया। साथ ही बताया कि बिहार में जो टेक्सटाइल बिल लाया जा रहा है उसके आने से बिहार ही नहीं बल्कि यूपी को भी लाभ मिलेगा, साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को अपने घर पर ही काम मिलेगा। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज गोरखपुर के पदाधिकारी और बिहार सरकार के मंत्री मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, शिव प्रताप शुक्ला जी राज्यसभा के सांसद और हमारे मित्र भी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच श्री शहनवाज हुसैन जी उपस्थित हैं। आप बिहार में उद्योग मंत्री हैं। सबसे खास बात यह है कि 2004 में गोरखपुर में लगभग मेरे ख्याल से दो दिन हम लोगों के साथ में रहे थे। इंट्रा पावर लूम सर्विस सेंटर है और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के उद्योग भवन में आपके साथ एक बहुत अच्छी बैठक हुई। हमारी जो टेक्सटाइल यूनिट्स थी उनकी आपने विजिट की और बहुत ही कर्मठ आप रहे हैं। तो आज बिहार की जो टेक्सटाइल पॉलिसी है उसके बारे में हम सब सलाह लेने आए हम लोग आपसे एक ये भी चाहेंगे कि हमारे भीतर जो भी टेक्सटाइल जो विषय है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टा है तो यहाँ का डेवलपमेंट उस टेक्सटाइल उद्योग के विकास से ही डेवलपमेंट हो सकता है। इसके लिए हम लोगों ने 2006 से प्रयास किया था। यहाँ पर टेक्सटाइल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री विष्णु अजी सरिया जी अपने आप में बजट प्रवीण मोदी से अनुरोध है कि आप महामंत्री उनको भी करवा ली होता। और जो जमीनी युवा के नेता है बहुत से लोग सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं, लेकिन शहनवाज भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने संघर्षों से अपने नियम जमीन बहुत विशाल अनुभव है आपके पास और आप इतने सारे विभागों का एक्सपर्टाइज पा चुके हैं कि मुझे लगता है कि अब बिहार का उद्योग बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाला है। मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। तो हम लोग इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि स्थापित किया था और यहाँ के टेक्सटाइल के बारे में एक आध सर्वे भी किया और आपका मेरा पुराना रिश्ता है, उसी रिश्ते के नाते मैंने कोशिश किया कि मैं आपसे मिलता चाहूँ। अगर मेरे जिम्मे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है इस जमीन के खिदमत का मौका आपके सामने दिया है तो हम एक नई टेक्सटाइल पॉलिसी ला रहे हैं, ड्राफ्ट है, तो इसको मैंने मुंबई में प्रमोशन काउंसिल उसके सामने किया
दूसरा प्रेजेंटेशन जो है वो गोरखपुर को चुना, क्योंकि अगर गोरखपुर तरक्की करता है तो बिहार भी करता, बनारस करता है तो बिहार भी करता। कुशीनगर में एयरपोर्ट बनाएंगे, लाभ उठाएंगे हम लोग। गोरखपुर में लैंड करते लोग पटना से नहीं जाते, गोपालगंज सिवान गोरखपुर से चले जाते, तो हमारा आपका रिश्ता पूर्विया है। हम लोगों को बोली भाषा कल्चर एक व्यवस्था, वहाँ भी जाएंगे तो लोग इनको बिहार का मानेगा, मैं इधर आता हूँ तो लोग यूपी का भी मानेगा, क्योंकि हम लोग पूर्व और ईस्टर्न बिहार है, और यहाँ ईस्टर्न यूपी का स्वभाव है कि जो इंजन है सरकार का वो आपके यहाँ, माननीय योगी जी आपके मुख्यमंत्री, आप तो एकदम ऐसी जगह है कि आपसे जो वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट वाला जो चीज़ें थी वो उन्होंने हमको बताया, मैंने उसको देखा जो किसी से मैं मिला था गोरखपुर आया, तो मैंने कहा कि भाई बिना आप लोगों से मिले मैं जाऊँगा, तो आप इतना कीमती वक्त आपने निकाला। मैं ड्राफ्ट पॉलिसी है जो हमारे यहाँ से उनको समझाएंगे आपको, जल्दी जल्दी बताइए। The Bihar Textile Draft Policy of 2021. This is all the subject areas which I would like to take you through. One is the new policy area and why this is needed and the advantage of the Bihar strategic location. इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है वो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोनों मिला करके हमने ट्यून फाइन ट्यून करके हमने एक पॉलिसी बनाने की कोशिश की है। सर जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं जो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स की एक रिवाइविंग था, जो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 था, उसमें कुछ चीज़ों की सुधार की जरूरत थी। मे बी दिस इज इयर्स ऑफ गैप बिटवीन 5 years एंड जो हमारे पियर स्टेट्स हैं, जो झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, इन लोगों से हम लोगों को कुछ मदद मिल सकती थी जिनको हम इसमें सर 8 things भी अच्छे हैं। ये हम लोगों ने सबसे मिलकर बातचीत की, यानी सिंथेटिक लैंड प्रमोशन पॉलिसी जो आप लोगों की अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग स्टेट की, उससे भी उसको भी हमने देखा है, इसको डूइंग क्या है वो भी देखा है, उसमें कमियां कहां है, अगर कोई पॉलिसी बनी और वो चल नहीं रही है तो क्या वजह है, उस पर भी रिसर्च किया। आगे बढ़िए सर, हमारे स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है सर ये डायरेक्ट मार्केट को समझा, ये मैप पे जी सर, ये मैप जो है हाँ बैठे वहीं बैठे, देखिए क्या है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है, आप पड़ोसी हैं और अच्छे हैं, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें गोरखपुर वाले आप लोग पड़ोसी मिले, तो यहाँ हमने क्या किया है, ये यहीं का ये जो लोकेशन है यहाँ हम लोगों ने, देखिए यहाँ से तो हमें पूरा नेपाल मिलता है और ये हम लोगों ने ये किशनगंज कह रहा है और ये खाकर मिलकर जानते होंगे ये एक एशिया सड़क बनी है, जैसे पाकिस्तान वाली चाइना वाली सड़क है, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस सड़क को लिया है। ये काकरविता पानी टंकी, ये सिलीगुड़ी है, ये सिलीगुड़ी से चलते हुए ये इम्फाल म्यांमार तक जाता है और एक सड़क ये हो गया, ये एशिया ये जो रोड है नॉर्थ साउथ एक्सप्रेस वे वो तो एक है ही है जो ग्रीन कलर का हम बताएंगे। बिहार में ये चिकन निक है 16 किलोमीटर हमारा बॉर्डर लगता था, रास्ता हम लोगों ने यहाँ दिया, ये चिकन ने दिखता है नहीं, तो हमारा किशनगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से बगल में ही बांग्लादेश भी है, बगल में नेपाल भी है, तो बगल में बर्मा भी है, ये पूरा इलाका जो है एक तरह इंटरनेशनल लोकेशन है। हमने ये दिया है मधुबनी 26 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 30, सीतामढ़ी 52, सहरसा 75, शिवहर 84, मधेपुरा 105, सुपौल जहाँ का मैं हूँ 99 किलोमीटर। तो अब ये देखिए कि ये इलाका पूरा कवर एयरपोर्ट बनने से, फिर हमारे पास एक
पटना का एयरपोर्ट है जिससे ये जो शाहबाद का इलाका है वो कवर होता है, क्योंकि टेक्सटाइल में एयरपोर्ट की बहुत बड़ी जरूरत है। बाहर से आते हैं और देखते हैं, कहीं बाहर से भी आते हैं। तो ये जो गया का एयरपोर्ट है, यहाँ से नवादा, अरवल, औरंगाबाद ये नज़दीक हो जाए, अच्छा वाला प्रोसेस, क्योंकि हम लोग पूर्विया राजपुरम के कहेगा, जो बनारस आएंगे कैमूर, बक्सर, सासाराम वो कवर होता है। दूसरा हम लोगों ने इसमें कुशीनगर डाल दिया इन्होंने, क्योंकि हमने गोरखपुर भी डाला, ये सब मैंने ये डिज़ाइन किया है, ई एन वाई ने डिज़ाइन नहीं किया है, उन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसी में सब सुझाव लिया, लेकिन उनको भी एक्स टेक्सटाइल मिनिस्टर से ब्रीफिंग लेनी पड़ती है। तो मैंने ये कुशीनगर एयरपोर्ट आपका, इससे आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं ये सेटेलाइट अपना गोपालगंज 70 पे, चंपारण 70 पे, बेतिया 90 पे। हम आपका जो कुशीनगर एयरपोर्ट है बनने से पहले ही हम योगी जी और मोदी जी ने बड़ा काम वो किया है उत्तर प्रदेश में, उसका लाभ हम यहाँ पे लेने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे जब ये झारखंड का है, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट बनता है, दूर बने तो जो भागलपुर जाते हैं उनको पटना से बहुत दूरी पड़ती है, तो हमने देवघर एयरपोर्ट जो बनेगा हमने प्लानिंग अभी से, झारखंड भी अच्छा पड़ोसी हमारा, अभी वहाँ हमारा राज नहीं है, डबल इंजन नहीं है, सिंगल इंजन को खिंचा रहा है। तो वहाँ का 44 किलोमीटर, जमुई 68, भागलपुर 101। जब ये बनेगा तो ये भी लोकेशन ईजी हो जाएगा। वो पूर्वी यूपी और बिहार का इलाका टेक्सटाइल, क्योंकि जो 70% वर्कर है, कोरोना में जब हम लोग संकट हुआ था, मजदूर लौटे थे, बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी ने एक सर्वे कराया कि आप क्या करते थे, फॉरन दिए, तो देश में जो 70% बिहार के लोग काम करते हैं उसमें 70% टेक्सटाइल वर्कर, तो हम कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होमलैंड, यानी जो गोरखपुर में भी वर्कर होंगे तो यहीं, अगर यहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगेगी तो यहाँ काम करेंगे, बिहार के हैं तो वहाँ करेंगे। तो हम ये लोकेशन का इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है इसका इम्पोर्टेंस हम बता रहे हैं। लेकर 50% ऑफ द फ्राइड कॉस्ट विच एवर इज लोअर एंड ये 7 साल में ये रहे। सबसे हमारा लंबी लाइन होती है, सब कुछ इस साइड हुआ। यहाँ जो चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री है उन्होंने आज यहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन का मौका दिया, बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई टेक्सटाइल पॉलिसी लाने की तैयारी कर रहा है, और जो बांग्लादेश की चुनौती है उसको पूर्व के लोग ही उसको मैच कर सकते हैं इंडिया, क्योंकि ज़्यादातर पूर्वी यूपी और बिहार यही टेक्सटाइल के वर्कर हैं। तो हम यूपी की पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमने ये भी देखी है, कई अन्य पॉलिसी देखी, और बनारस और गोरखपुर जो टेक्सटाइल का हब है, तो अगर हम वहाँ बनारस के बॉर्डर पे काम करेंगे या इधर यूपी के बॉर्डर पे, उधर नेपाल और बांग्लादेश का बॉर्डर, तो पूरी स्ट्रेटजी बना के एक टेक्सटाइल का माहौल बन जाएगा गोरखपुर से लेके किशनगंज तक, और उसमें बड़ा मार्केट नेपाल का भी है, बांग्लादेश का भी है, बर्मा का भी है, भूटान का भी है, किशनगंज तो बॉर्डर वहाँ तक जाता है। तो उस ड्राफ्ट पर हम सलाह लेने के लिए आए थे, बहुत महत्वपूर्ण सलाह इन लोगों ने दी है और उस पर हम विचार करें।